दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। हर तरफ कोरोना वायरस की ही चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस के साथ एक और जिस चीज की चर्चा खूब हो रही है वो है वेंटिलेटर। कोरोना से पीड़ित लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे में वेंटिलेटर का काम बढ़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि वेंटिलेटर क्या है, ये कैसे काम करता है और पहली बार इसका इस्तेमाल कब हुआ। वेंटिलेटर का इस्तेमाल, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो उन मरीजों की जान बचाने के काम आती है जिन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। वेंटिलेटर मरीज को ठीक करने का अंतिम प्रयास होता है। जब मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो खुद से सांस नहीं ले पाता तो उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। जब बीमार इंसान का फेफड़ा अपना काम नहीं करता तो उसे वेंटिलेटर पर रखकर कृत्रिम सांस दी जाती है और इस दौरान डॉक्टर फेफड़ों को काम करने के लायक बनाते हैं। कितने तरह के होते हैं वेंटिलेटर? अब सवाल उठता है कि वेंटिलेटर कितनी तरह का होता है। बता दें कि वेंटिलेटर दो तरह के होते हैं, पहला मैकेनिकल वेंटिलेशन और दूसरा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेटर, इसके ट्यूब को मरीज की सांस की नली में जोड़ दिया जाता है जो उसके फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। ये मरीज के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खींचता है और ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाता है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, इस वेंटिलेटर को सांस की नली से नहीं जोड़ा जाता बल्कि मुंह और नाक को कवर करते हुए मास्क लगाया जाता है जिससे मरीज का सांस लेना आसान बनाया जाता है। वेंटिलेटर का इतिहास, अगर वेंटिलेटर के इतिहास की बात करें तो बाइबल में भी आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन किसी व्यक्ति की सांस चलती रहे इसके लिए मशीन का इस्तेमाल 18वीं शताब्दी में किया गया था। इसमें किसी दूसरे इंसान की मदद से मरीज की सांस वापस लाने की कोशिश की जाती थी और इसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का नाम दिया गया। 1830 में एक स्कॉटिश डॉक्टर ने एक एयर टाइट डब्बा बनाया जिसके तहत किसी डूबे हुए नाविक में हवा को लयबद्ध तरीके से पंप किया जाता था। इसे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर नाम दिया गया। इसमें मरीज के नर्वस सिस्टम में हवा देने की बजाय मरीज के शरीर के बाहर की हवा को बदलना होता था। इसी तरह 19वीं सदी में वेनिस के एक डॉक्टर ने इन्फेंट रिससिटेटर बॉक्स का आविष्कार किया जिसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में मशहूर आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वैक्यूम जैकेट बनाया जो काफी लोकप्रिय हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में आयरन लंग नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध वेंटिलेशन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। ये मशीन भी नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर तकनीक पर काम करती थी। साल 1907 में एक जर्मन व्यापारी, एक आविष्कारक जोहान हेनरिक ड्रेगर और उनके बेटे बर्नहार्ड ने मिलकर पुलमोटर मशीन का इस्तेमाल किया। ये मशीन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर तकनीक पर काम करती थी। एक तरह का ट्रांसपोर्टेबल डिवाइस था जो एक मास्क के जरिए ऑक्सीजन का प्रवाह करती थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय लड़ रहे पायलट्स के लिए एक तरह की वेंटिलेटर मशीन को बनाया गया जो उन्हें ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सप्लाई करते थे। साल 1950 के बीच अमेरिकी सेना के पूर्व पायलट फॉरेस्ट बर्ड ने बर्ड मास्क 7 को इजाद किया। कुछ लोग मास्क 7 को मॉडर्न मेडिकल रेस्पिरेटर मानते थे। वक्त के साथ साथ वेंटिलेटर के डिजाइन में लगातार बदलाव आते रहे। मौजूदा समय में वेंटिलेटर के मॉडर्न डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो रहा वेंटिलेटर का इतिहास। अब आपको बताते हैं कि आखिर कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित 80% मरीज अस्पताल गए बिना ठीक हो जाते हैं, लेकिन 6 में से 1 मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है।
कोरोना वायरस ऐसे मरीजों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। फेफड़ों में पानी भर जाता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, इसीलिए वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है। इसके जरिए मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को सामान्य बनाया जाता है। फिलहाल देश की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से वेंटिलेटर्स की संख्या पर्याप्त है, लेकिन सरकार आगे की तैयारी में जुटी हुई है। न सिर्फ भारत बल्कि कोरोना से प्रभावित सभी देश वेंटिलेटर्स के उत्पादन में जुटे हुए हैं।